तो है सुना पर आ रहा पानी कम और तो खारा पानी जा यार पानी की खबर बना दो तो पानी बड़ा बाकी तो चार दान हम सब तो हो का पर जो खाने तुम्हें हम सब आप सब दूर से आप हो आज खास तैयारी बाद आवाज है ग्रामीण का आ रहा बोले इनको पानी ग्रामीण से आ रहा पानी इनको अब बोल ले 2009 में स्कीम तो ने भी था क्या नाम है हां उन्होंने मैं जॉब पटवारी से मिले तो सवेरे पहले स्कूल गया क्यों पटवारी से क्या हां पता नहीं स्कूल का मैं किसके नाम है क्या है ठीक है मतलब यहां पानी नहीं मिलता ना जी गटबद आता पानी घरों में तो चढ़ता नहीं है जो ये नलके है ना इसमें चढ़ता थोड़ा बहुत बाकी तो पानी मिलता नहीं बहुत दिक्कत हो रही है पानी की क्या लगता है जब से मतलब गर्मी पड़ गई है ना तब से तो बिल्कुल नहीं सूख रहा पानी जब मतलब बारिश आती है या कुछ हो तब तो पानी आ जाता ठीक ठाक वैसे ऐसे धूप पड़ी है मतलब बारिश आ नहीं रही है तब तो मतलब पानी की बहुत ही दिक्कत हो रही है ज़्यादा करके तो डंगरों के लिए होती है ना चलो आदमी तो कितना पीना ना डंगरों के लिए बहुत है कभी हम डो नीचे नीचे से डो के ले आते हैं पानी को पीठ में डो के ले आते हैं कहीं रखे यहाँ पर आपके सामने तब और क्या होना कितना क्या लगता है दिक्कत है किस तरह से क्या समस्या है सप्लाई में दिक्कत होनी कुछ ना कुछ ये पीछे को जो दिया ना जी ग्राम से पीछे से इस पाइप लाइन को ठीक नहीं करते हैं ये IPH वाले पता नहीं अब ना ये हमारे प्रधान बोलते हैं कुछ कि भाई ऐसा करो वैसा करो तो जो एक पाइप हमने ऊपर से लिया है अपने डूगी लग वालों ने अपने गाँव वासियों ने वहाँ कुछ पानी का सोर्स कम हो गया है तो अब पानी की तो बहुत दिक्कत हो रही है अब और क्यों कभी कभी पानी आता पीछे से फिर कभी बोलते हैं पाइप टूट गई है कभी बोलते हैं कुछ हो गया या बल्डिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो पानी की पीछे से बहुत दिक्कत आ रही है जो पीछे की स्कीम चल रही है जी ग्राम की पानी की स्कीम तो इसका तो हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा अब तक क्योंकि IPH वाले इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है अगर ध्यान देते तो मतलब फायदा हो जाता गाँव वासियों को तो अब इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं ज़्यादा अब सो परिवार जो है ना जी गाँव वाले डुगीरग में उनके लिए फायदा हो होता अगर मतलब ग्राम का वाला पानी आ जाता है यहाँ पर तो अब किले तो बहुत है पानी की तो अब क्या पता सालों से जो 8-10 सालों से जो है ग्राम का वाली जो लाइन है ना जी अगर ये ठीक तरह से होती तो मतलब यहाँ तो गिला गाँव वालों के लिए पानी अच्छी तरह होता नहीं तो मतलब हमारे को तो बहुत किले है पानी पानी की मतलब मवेशियों के लिए भी मतलब पानी बहुत होता है ठीक हो जाता है और पीने को भी सारे नलके में पानी नहीं होता इतने दिन से जी किस पानी नहीं ना गाय को पिलाने को ना बच्चों को स्कूल सब टंकी खाली है नलके भी 500-600 है यहाँ दिखते तभी इतने आ रहे हैं पानी जाते नहीं है पानी डूगी लग में ना इतने 500-600 लोग रहते हैं इतने गाँव है ये तो पानी नहीं यहाँ इतनी प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी बोला जी बस